अंशुमन आखिर तुम कर क्या रहे हो? हेमंत ने कहा। अंशुमन को इस सिचुएशन में भी इतने आराम से नोटपैड पर लिखते देख हेमंत हैरान था। मैं लव लेटर लिख रहा हूँ, अंशुमन ने पेन अपने कान के ऊपर फंसाते हुए कहा। वैसे मैंने कभी लव लेटर लिखा नहीं है, क्या तुम में से कोई मेरी मदद कर सकता है? अंशुमन आगे बोला। ये सुनकर दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। लव लेटर लिखने का ये सही वक्त नहीं था। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी अंशुमन इतने आराम से बैठा था। तभी सम्राट दीपिका की तरफ देखते हुए हंसने लगा और बोला, वैसे ये लव लेटर आखिर है किसके लिए? कौन है वो लकी गर्ल? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अंशुमन ने सिर झुकाते हुए कहा। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए दीपिका की तरफ देखने लगा। दीपिका को ये सब सुनकर बहुत शर्मा रही थी। अंशुमन जिस तरह उसे देख रहा था, उससे साफ पता चल रहा था कि ये लव लेटर उसके लिए ही लिखा जा रहा है। तभी तारुष हंसते हुए बोला, अंशुमन तुम कमाल हो, हम सब लगभग 40 साल के हैं और ये भूल चुके हैं कि लव लेटर किस तरह लिखा जाता है। मैं इतना जानता हूँ कि लव लेटर हमारे लिए बहुत ही खास होता है, इससे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तुम्हें इस वक्त जो फील हो रहा है वो तुम लेटर पर लिख दो। तारुष की बात सुनकर अंशुमन अपनी आंखें बंद करके गहरी सोच में डूब गया। वो दीपिका को अपनी फीलिंग्स बोलकर नहीं बल्कि लिखकर बताना चाहता था। कुछ देर बाद सब लोग जैसे ही होटल वापस आ गए तो तारुष ने सबके वापस जाने की टिकट्स बुक करवा दी। फिर उसने दीपिका और सम्राट को मीटिंग के लिए अपने रूम में बुला लिया। मुझे कुछ देर पहले वंश ने फोन किया था, उसने बताया कि थोड़ी देर पहले होटल के बाहर दो लोग घूम रहे थे। इतना कहकर उसने उन्हें वो पिक्चर्स दिखाई जो उसे वंश ने भेजी थी। पिक्चर में दो आदमी थे जो दिखने में बहुत लंबे और ताकतवर लग रहे थे। तभी सम्राट ने उस पिक्चर की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें देखकर तो लगता है कि ये दोनों फाइटिंग में बहुत अच्छे होंगे, इनकी बॉडी तो देखो। ये सुनकर हेमंत ने सीरियस होते हुए कहा, हेड ऑफिसर ने हमें यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन पर भेजा है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ कोई भी गड़बड़ ना हो। यहाँ आने से पहले उन्होंने हमें बताया था कि इस मिशन पर कुछ भी हो सकता है। मुझे हमारे आसपास खतरा महसूस हो रहा है, हम इस जगह को जितना जल्दी छोड़कर अपने देश वापस जाएंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। आखिर ये लोग हैं कौन और ये किसके लिए काम करते हैं? दीपिका हैरान होते हुए बोली। ये तो हम में से कोई नहीं जानता, मुझे पता है कि हम ऑफिसर्स को साइंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर हम सबने टीवी में देखा है कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी देश की इकोनॉमी में किस तरह से हेल्प करती है, तारुष धीमी आवाज में बोला। इसका मतलब है कि अंशुमन की जान खतरे में है? सम्राट ने हैरान होते हुए कहा। सबको उसके सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चल चुका है, हमारा काम उसे प्रोटेक्ट करना है। अगर हमें हमारे आसपास खतरा महसूस हो रहा है तो अच्छा होगा कि हम अंशुमन को किसी सेफ जगह पर ले जाएं, तारुष आगे बोला। उसकी बात सुनकर सम्राट और दीपिका ने अपना सिर हां में हिला दिया। दीपिका कई सालों से पुलिस ऑफिसर बनकर बहुत से केसेस सॉल्व कर चुकी थी, पर ये पहली बार था जब वो इतने बड़े मिशन पर आई थी। तारुष की बातें सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। और हाँ एक और बात, अचानक तारुष दीपिका की तरफ देखते हुए बोला, अब जब तुम अंशुमन के साथ हो तो तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम्हें किसी भी खतरे के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, तारुष ने कहा। दीपिका तारुष से कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो तारुष ने झट से कहा, देखो दीपिका, मुझे नहीं पता कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि अंशुमन के साथ रहकर तुम्हें बहुत प्राउड फील होगा। अगर तुम उसकी पार्टनर बनती हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, पर इसके साथ साथ तुम्हें अंशुमन पर आने वाले खतरों का भी सामना करना होगा। ये सुनकर दीपिका चुप पड़ गई। मीटिंग खत्म होते ही वो चुपचाप अपने रूम की तरफ आने लगी। दीपिका के पैरों की आवाज सुनकर अंशुमन भागता हुआ उसके पास आया और बोला, क्या अब तुम मेरे प्रपोजल का जवाब देना चाहोगी? दीपिका समझ चुकी थी कि अंशुमन इस वक्त किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तभी अंशुमन ने कहा, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम इस सिचुएशन में सिर्फ गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो? दीपिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंशुमन को किस तरह समझाए। दीपिका इस वक्त गुस्से में थी, लेकिन वो जब भी अंशुमन का मासूम चेहरा देखती तो उसका सारा गुस्सा कहीं गायब हो जाता। दीपिका की बात सुनकर अंशुमन ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। आसपास जो भी हो रहा था
उससे अंशुमन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि दीपिका को वो अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। अंशुमन भले ही उम्र में मुझसे बड़ा है पर फिर भी कितना मासूम है। मैं खुश हूँ जो मुझे अंशुमन से मिलने का मौका मिला। मैं कुछ और वक्त अंशुमन के साथ बिताकर उसे अच्छे से जानना चाहती हूँ। पर तारुष भी ठीक कह रहा है, अगर मुझे अंशुमन के साथ रहना है तो मुझे खतरों का सामना करना होगा। दीपिका मन ही मन बड़बड़ाई। दीपिका को अपनी परवाह नहीं थी, पर वो अपने परिवार वालों के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे खतरे में देखकर वो सब परेशान हो जाते। वैसे भी अरमान ने पहले ही उसे अंशुमन से दूर रहने को कहा था। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मैं ही क्यों पसंद हूँ? क्या मैं सुंदर हूँ इसलिए? दीपिका धीमी आवाज में बोली। अंशुमन कंफ्यूज होते हुए दीपिका की तरफ देख रहा था। मैं तुम्हें अब तक तुम्हारे लुक्स की वजह से फॉलो नहीं कर रहा था, वो मन ही मन बड़बड़ाया। अंशुमन को चुप देख दीपिका ने आगे कहा, चाहे मैं कितनी भी सुंदर क्यों ना हूं, उम्र के साथ मेरी सारी खूबसूरती ढल जाएगी। ये सुनकर अंशुमन ने कहा, तुम जब बूढ़ी हो जाओगी तब भी बहुत सुंदर लगोगी। मैं जानती हूँ, दीपिका अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली। मुझे पता है जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी दिखने में सुंदर लगूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम मेरे आइडल हो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और तो और मैं अब तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड को नहीं भुला पाई हूँ। ऐसे में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। दीपिका की बातें सुनकर अंशुमन दंग रह गया। वो चुपचाप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीपिका की तरफ देख रहा था। उसे दीपिका की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अंशुमन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि दीपिका उसकी गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं चाहती। दीपिका को अंशुमन के लिए बुरा लग रहा था, पर वो उसे झूठी तसल्ली नहीं दे सकती थी। दीपिका जानती थी कि उसकी फैमिली अंशुमन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो अभी पूरी तरह से अक्षत को भुला नहीं पाई थी। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मुझे यकीन है तुम फ्यूचर में बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनोगे। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी नए रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपना दिल नहीं दे सकती, दीपिका बोली। दीपिका की बातें सुनकर अंशुमन बुरी तरह से टूट चुका था। उसे इस वक्त बुरा फील हो रहा था। अंशुमन के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। इतना बुरा तो उसे दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर भी नहीं लगा था। अंशुमन को उसके दिल में एक चुभन सी महसूस हो रही थी। उसने घबराते हुए अपने माथे पर हाथ रख लिया। अंशुमन के माथे पर पसीना आ रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। फिर भी उसने बड़े ही प्यार से दीपिका से नजरें चुराते हुए कहा, ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंशुमन को इस तरह उदास देख दीपिका को अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं वापस अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास चली जाऊं, या फिर कुछ वक्त बाद मेरी उससे शादी हो जाए। वैसे भी मैं अभी तक उसे भूल नहीं पाई हूँ, दीपिका बोली। ये सुनकर अंशुमन का चेहरा पीला पड़ गया। उसका रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। दीपिका को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इमेजिन करके अंशुमन को गुस्सा आने लगा। वो दीपिका को किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता था। क्या तुम मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की पिक्चर दिखा सकती हो, अंशुमन ने कहा। वो देखना चाहता था कि आखिर दीपिका का एक्स बॉयफ्रेंड दिखता कैसा है। दीपिका अब तक उसे भूल नहीं पाई थी। जरूर उसमें कोई तो बात होगी जो दीपिका अपने एक्स से ब्रेकअप होने के बाद भी शादी करने की बात कर रही है। अंशुमन की बात सुनकर दीपिका ने अक्षत की इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलकर अंशुमन को दिखा दी। अंशुमन बड़े ही ध्यान से अक्षत की फोटो देख रहा था। अक्षत ने ज्यादातर पिक्चर्स में आर्मी यूनिफॉर्म पहनी थी, जिसमें वो बहुत स्ट्रांग और अट्रैक्टिव लग रहा था। अक्षत हैंडसम था। उसकी बॉडी देखकर अंशुमन अपनी बॉडी की तरफ देखने लगा। अक्षत की बॉडी देखने में अंशुमन से ज्यादा मस्कुलर और स्ट्रांग थी। लगता है मुझे भी जिम जाना शुरू कर देना चाहिए, अंशुमन ने धीरे से कहा। भले ही तुम अक्षत जैसी बॉडी बना लो, पर तुम अक्षत कभी नहीं बन सकते। तुम दोनों बहुत अलग हो, दीपिका ने बेरुखी से कहा। ये सुनकर अंशुमन उदास होते हुए अपने रूम में जाने लगा। वो चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट गया। दीपिका जानती थी कि वो अंशुमन से चाहे जो कह ले, पर अंशुमन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अंशुमन से कुछ ऐसी बातें कही जिनसे वो बुरी तरह टूट गया। दीपिका ने अंशुमन से थोड़ी देर पहले जो कुछ भी कहा वो उसके लिए कहना बहुत डिफिकल्ट था,
पर दीपिका अंशुमन को किसी भी तरह की झूठी होप नहीं देना चाहती थी। अंशुमन की गर्लफ्रेंड बनकर दीपिका को बहुत ही प्राउड फील होता, पर अपनी फैमिली के लिए वो एक नॉर्मल सिटीजन बनकर रहना चाहती थी। उसकी फैमिली इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। दीपिका जानती थी कि वो अंशुमन के साथ रही तो उसे हमेशा उसका बच्चों की तरह ख्याल रखना होगा। दीपिका अंशुमन को और हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो गहरी सांस लेते हुए चुपचाप रूम में जाकर सो गई। अगली सुबह दीपिका अंशुमन से पहले उठ गई, क्योंकि वो रात को ठीक से सो नहीं पाई थी। आज शाम को सभी ऑफिसर्स और अंशुमन के साथ उसे इंडिया वापस जाना था। दीपिका उठकर अपना सामान पैक करने लगी। अंशुमन इस वक्त उसकी तरफ पीठ करके सो रहा था। अंशुमन उठो, ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया है, दीपिका अंशुमन को उठाते हुए बोली। हमें आज शाम को इंडिया वापस जाना है, दीपिका ने आगे कहा। अंशुमन मुड़कर चुपचाप दीपिका की तरफ देखने लगा। मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा कुछ करने का मन नहीं है, अंशुमन ने कहा। अंशुमन की सहमी हुई आंखें देखकर दीपिका को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। अंशुमन का चेहरा इस वक्त उतरा हुआ था। वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था।